अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लास टेंथ के लिए हैं ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज क्या होता है, जैसे फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही ट्राइगोनोमेट्रिक में भी क्या होता है, ए फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है इसमें आपको तीन फार्मूला आपको याद रखना है। तो आप कैसे याद रखोगे, देखो फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे उनके प्रूफ भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल लेंगे। देखो यहाँ पे हमने एक राइट एंगुलर ट्रायंगल ली, यहाँ पे एंगल ए रखा, यहाँ पे एंगल बी रखा और यहाँ पे एंगल सी रखा। ठीक है इतना। तो हम क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं हम उनके वैल्यूज निकालेंगे। जैसे आपको पता है कि साइन थी ए कैसे निकालेंगे, कॉस ए कैसे निकालेंगे, टेन कॉट, तो हर किसी का वैल्यू हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे किसका, साइन ए का। तो साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिक्यूलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिक्यूलर क्या है, बी सी। तो विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए देखना है, तो ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे क्या है, बेस, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है ए सी, हो गया एक। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस देखेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू। तो अब आपको बताना है कि कॉस किसके बराबर होता है, परपेंडिक बेस डिवाइडेड बाई हाइपाट न्यूज। तो इज इक्वल टू बेस किसके बराबर है, बेस है ए बी के बराबर डिवाइडेड बाय हाइपाट न्यूज है ए सी के बराबर। आया समझ में। तो इसके बाद क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिक्यूलर डिवाइडेड बाय बेस। आपको ये याद होगा, अब परपेंडिक्यूलर किसके बराबर है, परपेंडिक्यूलर है बी सी के बराबर डिवाइडेड बाय बेस है ए बी के बराबर। आए समझ में। तो साइन का वैल्यू आपको पता चला, कॉस का वैल्यू आपको पता चला एंड टेन का भी वैल्यू आपको पता चला। ठीक है, तो अब अगर हम इनके रेसिप्रोकल्स करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए, का वैल्यू क्या आएगा, कॉसेक ए का वैल्यू आएगा यहाँ पे बी सी डिवाइडेड बाई ए सी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। अगर यहाँ पे कॉस है तो कॉस क्या आएगा, सेक। ठीक है, तो sec a, तो cos का वैल्यू क्या है, ab डिवाइडेड बाय ac, तो sec a का वैल्यू क्या आएगा, ac डिवाइडेड बाय ab। ठीक है इतना। तो tan का वैल्यू क्या है, bc डिवाइडेड बाय ab। ठीक है, तो cot का वैल्यू क्या आएगा, cot a इज इक्वल टू ab डिवाइडेड बाय bc, ab डिवाइडेड बाई बी सी। तो यह है आपके सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो वैल्यूज हैं आपके पास, यही है। ठीक है, तो आसान थे। तो अब हम क्या करेंगे, अगर एक तो ये हो गया, ठीक है, तो अब हम देखेंगे अगर हम इसमें भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा। देखो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम भी देखेंगे तो ये हमको जरूरत लगेगा फॉर्मूला प्रूव करने में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इम्प्लाइज हाइपोटेन्यूज। देखो इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ये बनेगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर हमें कभी भी ए सी का होल स्क्वायर होगा, हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं क्या, ए सी स्क्वायर। ये भी आपको क्या याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका नाम मैंने ऐसे ही रखा फर्स्ट। तो देखो अब हम क्या करेंगे, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको प्रूव कर रहे हैं। तो ये जो ट्रायंगल है इसको मैं साइड में बनाता हूं ऐसे यहां पे, ए बी सी। ठीक है, तो
तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, दैट इज प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आपको एक्चुअली सिर्फ इतना याद रखना है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऑलवेज होता है किसके बराबर, 1 के बराबर। ये जो ए है ना, ये एंगल होगा, मतलब सपोज अगर आपको कल ए के बदले बी होगा, दोनों जगह होगा, मतलब साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, उस वक्त भी होगा, ठीक है ना। एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल और ट्रायंगल है तो ये छोड़ो, बी एंगल बी, अगर सी की बात है तो हम सी बी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी एंगल होगा यहाँ पे थीटा थीटा होगा, ठीक है, तो ये ऑलवेज 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे, तो प्रूफ लिखेंगे हम, देखो ये किस कैसे 1 के बराबर होता है, हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो अब मुझे बताओ हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए का वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही निकाला था साइन ए का वैल्यू क्या है, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, ये किसका वैल्यू है, साइन ए का, मगर यहाँ पे क्या है, साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए, तो कॉस ए जो है ना, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना इज इक्वल टू। अब मुझे यहाँ पे बताओ बी सी डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर, स्क्वायर न्यूमिनेटर को भी होता है ओवर डिनोमिनेटर को भी होता है, ठीक है ना, तो हम अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है, यहाँ पे भी ए सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए सी स्क्वायर है, विच मीन सेम डिनोमिनेटर्स हैं, हम न्यूमिनेटर्स को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं विदाउट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर ए ही आएगा क्योंकि सेम है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, या आप कह सकते हैं पहले ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे है ना, यही ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसके बदले हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, इसीलिए मैंने पहले ही आपको ट्रिग्नोमेट्री, ये जो पैथागोरस था मैं यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर किसके बदले, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में क्या है, ए सी स्क्वायर, आप साइड में लिख सकते हैं बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहाँ पे यूज किया, तो न्यूमिनेटर भी ए सी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर भी ए सी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 1। क्या आएगा आंसर, 1, वो किसके बराबर निकला, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर निकला, राइट हैंड साइड, तो हमने क्या किया, हमने इसको प्रूव किया, हेनस प्रूव्ड, तो ये प्रूव हो गया, आया समझ में। तो आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, मगर मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिया। तो अब हम आइडेंटिटी सेकंड करेंगे, आइडेंटिटी सेकंड क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए, या आप कह सकते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स एंगल, ठीक है इतना। तो अब हमने इस वक्त थीटा के बदले सिर्फ ए लिखा, मतलब हमने एंगल ए की बात की। तो अब आपको ऐसे ही इसको क्या करना है, प्रूव, मतलब आपको याद रखना है, मैं आपको प्रूव भी दिखाऊंगा। तो यहां पे आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ, देखो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10
टेन ए, तो टेन ए का भी वैल्यू हमने पहले ही ऑलरेडी निकाला था। यहाँ पे टेन ए का वैल्यू है बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, तो स्क्वायर है ऊपर, तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर वन आर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, फिर यही ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यही यूज करना है, तो इसके बदले हमें लिखना है ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या है यहाँ पे ए बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, आया समझ में। तो ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या निकला आपको, ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम राइट हैंड साइड का वैल्यू भी निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या है सेक स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर ए, तो सेक ए का वैल्यू हमें पता है ए सी डिवाइडेड बाई ए बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ए सी स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर करेंगे ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो है वही तो राइट हैंड साइड का वैल्यू भी है, तो हम लिख सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये भी प्रूव हो गया, एक ये जो आइडेंटिटी है दैट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, विच मीन्स थीटा के बदले ए है, तो आप कह सकते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए, याद रखना। तो इसके बाद आइडेंटिटी नंबर 3 इज टू प्रूव, प्रूव क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए, कॉसिक स्क्वायर ए। तो ये जो प्रूव क्या करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए, तो ये है आपके लिए थर्ड आइडेंटिटी जो कि आपको ऐसे ही याद रखना है जैसे आपको वो दो आइडेंटिटी याद रखना है। तो यहाँ पे देखो आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए, तो कॉट ए का वैल्यू पता है, कॉट ए का वैल्यू क्या है ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, तो ये आएगा ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है अलग अलग करो तो ये आएगा ऐसे बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो ए बी स्क्वायर वन आर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर वन आर बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर वन आर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर फिर से किसके बराबर होता है ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है बी सी स्क्वायर, तो ये किसका वैल्यू निकला लेफ्ट हैंड साइड का। अब फिर से हम राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर ए राइट हैंड साइड है, तो कॉसिक स्क्वायर ए किसके बराबर है, तो कॉसिक स्क्वायर ए जो है ना इसका वैल्यू क्या है ए सी डिवाइडेड बाई बी सी, तो ए सी डिवाइडेड बाई बी सी का होल स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर अलग अलग ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर, राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या है ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना प्रूव, है ना प्रूव। तो ये हो गया प्रूव आपके लिए आइडेंटिटी नंबर थर्ड। तो आज आपने जो सीखा आइडेंटिटीज, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो क्या है, थ्री ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ा, नंबर फर्स्ट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, नंबर सेकेंड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए, नंबर थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए। ये आपके लिए
थ्री आइडेंटिटीज हैं जिनको आपको क्या करना है, रटा याद करना है। तो ये आपके लिए टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए, तब आप 8.4 जो एक्सरसाइज हैं उनके क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो ये होता है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज साइन और कॉस के दरमियान रिलेशन है। इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है आइडेंटिटी नंबर सेकेंड, उसमें टेन और सेक के दरमियान रिलेशन है। आइडेंटिटी नंबर थर्ड में कॉट और कॉसिक के दरमियान रिलेशन है, ठीक है। तो ये आपके लिए आज इतना ही, इनको याद रखना, मैं करवाऊंगा आपको एक्सरसाइज नंबर 8.4 इसके बाद, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।